सौंफ और मैंने मेथी दाना, अजवाइन सी, कितना सारा ये बाप रे आटा हो गए। सोयाबीन वाली बड़ी वाली कड़ी चावल। आज के ब्लॉग के स्टार्ट करते हैं इस ग्रीन टी के साथ, जो कि बनी है ग्रीन टी, तो मतलब ग्रीन टी से तो बनी है बट मेथी दाने के पानी से बनी है। क्या हुआ? सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, एंड अभी जस्ट मैं जिम से आई थी और मेरे ख्याल से 15-20 मिनट हो गए होंगे। ग्रीन टी बनाई है एंड पी रही हूँ। सबसे फर्स्ट टी मेरी है ग्रीन टी, एंड आज मैं बनाने वाली हूँ एक तरीके से चीट एडिशन। एक तरीके से क्या, चीट एडिशन ही बनाने वाली, बट आई ईट इन अ डे वाला, तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है, तो मैंने कहा चलो फिर से बनाते हैं, लेकिन इस बार चीट होने वाला है क्योंकि और दिन मैं डाइटिंग पे हूँ। ठीक है, हम मकबंग वीडियोस बनाती हूँ बट उतना खाना खाने के बाद अपने शरीर को आराम भी दे रही हूँ आजकल, और हेल्थी भी खा रही हूँ, बट आज हेल्थी भी खाने वाले हैं, अनहेल्थी भी खाने वाले, सब खाने वाले, ये तो आने वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो ब्लॉग के स्टार्ट करते हैं इसके साथ। ये ना मिस्ट्री बॉक्स मंगाया था मैंने, बॉक्स इसमें लिखा ओनली क्यूट पर्सन कैन ओपन दिस, और तुम अपने आप को कहाँ से क्यूट समझ रहे हो मुझे बता दो। मैं हूँ क्यूट? मैंने 5 मंगाए थे, पता नहीं एक ही आ रहा है या फिर और आएंगे, और रहता है फिर सच में कुछ देते हैं क्या इसके अंदर? कुछ नहीं। चेक तो नहीं है 5 लाख का? चाबी तो नहीं है नए घर की, मर्सिडीज की, BMW की, गोल्ड कॉइन तो नहीं है? अबे लेट्स सी, स्टिकर्स है यार। तो ना बाकी यूट्यूबर्स को देख के सिर्फ उतना इंसान हो गया, सौरभ जोशी वगैरह को देख के मैंने भी मंगा लेते हैं ना एक्साइटमेंट में। 5 मैंने ऑर्डर किए थे ट्रायल के लिए कि सच में निकलता भी है, फिर इनको प्रमोशन के लिए भेजते हैं बस। तो पहला तो फुद्दू निकला, और एक ही भेजेंगे कि 4 भेजने वाले, पता नहीं अगर 4 आएंगे तो उनमें क्या निकलता वो भी बताऊंगी मैं आपको। अभी तो काट दिया, काट दिया। ये ना मेरे ख्याल से 50-60-70 रुपए का एक मिस्ट्री बॉक्स था, इतना मतलब बहुत कॉस्टली भी नहीं है बट फिर भी। तो मैंने यहाँ पे प्याज जो है बारीक चॉप कर लिए हैं, धनिया पत्ता है यहाँ पे, और हरी मिर्च ले ली है। अंडे मैं फोड़ के डाल दूंगी इसमें, तो दोनों हाथ लगेंगे इसके लिए, कैमरा भी ऑफ करती हूँ। तो ये अंडे मैंने फोड़ दिए, 6 से 7 अंडे मैंने फोड़े इसमें, एंड अब इसमें जाने वाला थोड़ा सा दूध जाएगा बस, धनिया, हरी मिर्च, अगर आपको जितना तीखा खाना उस हिसाब से, थोड़ी सी मैं डाल देती बस, काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा बस, ज्यादा तो पहले फेर देते हम इससे। मैंने फेर दिया है ऑलमोस्ट, अभी इसमें जाएगा आटा करके डालना अपने हिसाब से, क्वांटिटी मेरे को नहीं पता, मैं भी डाल दूँ पहली बार इनफ। इसमें ना मैदा भी यूज़ कर सकते हो आप, बट हमें इतना ना हेल्थी नहीं बनाना है, आटा थोड़ा सा तो हेल्थी होगा तो आटा यूज़ कर रहे हैं। जब मैंने रेसिपी देखी थी ना उन्होंने मैदा डाला था, तो मैंने कमेंट्स पढ़े थे इसी चक्कर में, आटे के चक्कर में, तो कई लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप आटा डाल सकते हो। तो मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया, जैसे आप ऑमलेट के लिए डालते हो ना वैसे आपको तेल डालना है इसमें। डर लग रही है पर बनाना भी है। गैस करो कि बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे लग रहा है कि बन जाएगा, बन जाएगा। फिर से पलटने वाली, ये कि नहीं इतनी पलट जा रहा है, तो आटा है ना इस वजह से शायद। लाला रे, इस तरीके से दिख रहा है, ऐसी लेवल से ऑमलेट होगा, बाकी टेस्ट में कैसा डिफरेंस आता है या नहीं चलो देखते हैं। सो लेट्स ट्राई। हाँ डिंग डिंग, गुन्ने का कार्टून चला हुआ उधर, और इधर घूम रही है, उसको कोई मतलब नहीं। मुंह देखो कितना गंदा हो रखा, जाओ भी जाओ, अभी नहीं नहीं करेंगे तब।
अरे जरूर बनाना गाइस, 10/10। चौनी बोलना चाहूंगी, नंबर 1 तो गाइस अभी मेरा मन कर रहा था मीठा केक खाने का और कुछ नहीं कर रहा था खाने का, तो मेरे पास ने सब रखा हुआ था। मैंने सोचा था कब भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी ना स्वीट खाने की तो मैं खाऊंगी, बट मैं नहीं खा रही थी, कंट्रोल कर रही थी। आज मैं सब खोलने वाली हूँ एक साथ, तो इतना कुछ है मेरे पास। कौन सा, ये वाला? मैं खोल देती हूँ पहले एक सेकंड ना। इस तरीके का उसी का दूसरा फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर, वो स्ट्रॉबेरी आई गेस सेम। दो चीज़ें मैं नहीं लाई थी, मैंने कभी नहीं खाई है उनके लिए। रुक जा भी देगी मम्मा, यहाँ रख, नहीं नहीं खाती है सब चीज़ें। इसे ना पूरा बना के पूरा मतलब घर साफ सुथरा लगता है तो है ना, इसके अंदर वो होती क्रीम के लिए। ये सब वेज में है क्योंकि मेरे को खाते खाते कभी गुंदे मुँह में डालती, इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें वेज ही लाती हूँ। इसके अंदर फीलिंग होगी क्रीम की, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। ये वाले की मैं बात करती हूँ, नहीं क्या, वाह वाह वाह। रुक जाओ अभी, अभी रुक जाओ, रुक जाओ अभी, वाह दिखाऊंगी मैं, रुक जाओ। चार ले, वाह है, रुक जाओ। एक इसके, मेरा मॉम, एक ये भी मैंने कभी नहीं खाया। ये तीन, मेरा ना कोक पीने का बहुत मन कर रहा था, मैं ले आई, अपनी वीडियोस में भी देखा होगा, आजकल नहीं पी रही हूँ मैं, वैसे भी नहीं पी रही हूँ तो काफ़ी टाइम हो गया था। सो मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट कर लेती हूँ, स्टार्ट नहीं कर लेती हूँ, आज पी लेती हूँ, इसलिए मैं छोटी वाली लेके आई हूँ। इसको भी हाफ पीऊँगी, हाफ बाद में पीऊँगी। इसके अंदर चॉकलेट है, खाना नहीं है इसको, नहीं खाती है, ना कर दिए। सुपर चॉकलेट है, दोनों बहुत टेस्टी है। अगर आपके यहाँ मिल रहे हैं ना तो इनको जरूर ले लेना, ट्राई कर लेना, एकदम मजा आ रहा है खा के। अरे कंफर्मेशन मम्मी राक्षस है, ये खाएगी मेरे को याद दिली। अंदर क्रीम है, बस तो मैंने बहुत बार खाया। ये थोड़ा सा ड्राई होता है बट कभी कभी मन करता है इसको खाने का, तो मैंने रखा था एक पीस। खाना बंद बहुत ड्राई है, नॉर्मल बंद होते हैं ना फिर उनकी तरह चाय के साथ खाने वाले, पर क्रीम बहुत अच्छी लगती है। मैं सारा खिला देंगी, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मील में, ठीक है बाय। तो गाइस अभी हो गई रात, में आ गई हूँ फिर से किचन में, एंड अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ, क्या खाने का मन कर रहा है मेरा। मेरे को उतनी ज्यादा भूख नहीं लग रही है, ऊपर से सेकंड मैंने ना 4-5 पराठे खा लिए थे अंडे के, बहुत ज्यादा हैवी हो गए थे मेरे को, उसके मेरा मन नहीं किया। मीठा खाने का मन कर रहा था केक,
वो मैंने खा लिया। मैं ना कस्टर्ड पाउडर लेके आई थी, सोची थी आज कस्टर्ड बनाऊंगी, बट अभी मन नहीं कर रहा है मीठा खाने का। अभी मेरा मन ना राजमा चावल खाने का करने लगा अचानक से, पर राजमा नहीं भिगो रखे हैं तो कोई फायदा नहीं है। अभी भिगोंगी फिर बनेंगे, 7:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं। और पता है गुन्नू के पापा के फ्रेंड आए थे और इतना सारा मेरा इतनी अच्छी खुशबू आ गई, मैंने खा के देखा था बहुत, मतलब अच्छा गुड़ गुड़ है, बहुत अच्छा। तभी वो लेके आए इतने सारा, नहीं तो कई गुड़ ना खाने में अजीब से लगते हैं, एकदम परफेक्ट है। तो टुकड़ा खाने का मन कर रहा, खा लेते। तो फाइनली डिसाइड हो गया है, मैंने अपने से डिसाइड कर लिया है कि मैं बनाने वाली कड़ी चावल, सोयाबीन वाली बड़ी वाली कड़ी चावल। मैंने मसाले डाल दिए हैं, बेसन डाल दिया है दही में, एंड अभी मैंने मिर्च वगैरह नहीं डाली, मसाले भी कम है क्योंकि गुड़ के लिए निकालेंगे तब इसमें मसाले ऐड होंगे। तो गाइस ये रहा रात का डिनर, मन ये जो है भात। सो अब करते हैं डिनर हम रात के। मैंने कंफर्टेबल अपनी स्वेटर डाल दी, रात को थोड़ा ठंडा भी लगता है और एकदम ढीले डाले कपड़े अच्छे लगते हैं। ये भी खाना गुन्नू ने खा लिया है खाना। गाइस अभी ऑलमोस्ट 1 बज गया है आई थिंक, एंड काम हो गया डन। मैंने फिर से कपड़े बदल लिए क्योंकि वो गीले हो गए थे, एंड अभी ना मैं सुबह के लिए भिगो रही हूँ तो सोच रहा मैं आपको दिखा दूँ। ये है सौंप और मैंने मेथी दाना अजवाइन भिगो के रखी, इसमें जीरा भी डालना होता है बट जीरा भी खत्म हो गया तो वो नहीं डाला मैंने। सुबह ना इसे अच्छे से पानी में पकाना होता है, मतलब ऑलमोस्ट जैसे पानी ना कम हो जाए, आधा ही से थोड़ा ज़्यादा बचे और आधा बचे, इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से बिल्कुल पकाना होता है। अगर आप ये पानी पियोगे ना, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, पेट जिन लोगों का निकला हो ना उनके तो बहुत फ़ायदेमंद है, वेट लूज के लिए अच्छा बोल रहे हो लोग, जिन्होंने ट्राई किया है वो भी अच्छा बता रहे हैं कि मतलब अच्छा है। तो मैं भी इसको ट्राई करूँ, 1-2 दिन हुए मुझे पीते हुए। और अभी मैंने सौंफ ऐड कर दिया है, मैं जीरा ले आऊँगी, कल से जीरा भी ऐड करूँगी, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम पीने वाले हैं। मेथी दाना तो अगर शुगर होके पेशेंट हो ना उसके लिए भी अच्छा है। आज पता नहीं क्यों मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन किया नहीं, मतलब खाया मैंने ठीक ठाक ही, बट जैसे मैं खाती हूँ आपको पता है मेरे हिसाब से, तो उतना मेरा मन नहीं कर रहा था आज खाने का। शायद मेरी भूख कम हो रही क्योंकि मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ, पता नहीं हो जाती तो सही था, बहुत मुश्किल से मतलब मैं कंट्रोल कर रही हूँ। इसलिए 1-1.5 साल से तो मैं इतना ज़्यादा खा रही हूँ ना खाना, इतना ज़्यादा, इतना मैंने कभी लाइफ में नहीं खाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो, और अगर ऐसी वीडियोस देखनी है और भी तरीके के एडिशन देखने, जैसे स्ट्रीट फूड एडिशन देखने या फिर नूडल्स एडिशन देखने या फिर कुछ अनट्राइड फूड आइटम्स और रेसिपीज वाले एडिशन देखना, जो भी देखना है नीचे कमेंट जरूर करना अगर आपको पसंद आती है ऐसी वीडियोज़। तो मैं भी के लिए आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।